प्रधानमंत्री जी, मैं पुणे से अपर्णा बोल रही हूँ। मैं अपनी एक सहेली के बारे में बताना चाहती हूँ। वह हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक आदत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं एक बार उसके साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी। एक साड़ी पर उसने 2000 रूपए बड़े आराम से खर्च कर दिए और पिज्जा पर 450 रूपए। जबकि मॉल तक जाने के लिए जो ऑटो लिया था, उस ऑटो वाले से बहुत देर तक 5 रूपए के लिए मोलभाव करती रही। वापस लौटते हुए रास्ते में सब्जी खरीदी और हर सब्जी पर फिर से मोलभाव कर 4-5 रूपए बचाए। मुझे बहुत बुरा लगता है, हम बड़ी बड़ी जगह एक बार भी बिना पूछे बड़े बड़े भुगतान कर देते हैं और हमारे मेहनतकश भाई बहनों से थोड़े से रुपयों के लिए झगड़ा करते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं। आप अपनी मन की बात में इस बारे में जरूर बताएं। अब ये फोन कॉल सुनने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि आप चौंक भी गए होंगे, चौकन्ने भी हो गए होंगे और हो सकता है आगे से ऐसी गलती न करने का मन में तय भी कर लिए होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम हमारे घर के आसपास कोई सामान बेचने के लिए आता है, कोई फेरी लगाने वाला आता है, किसी छोटे दुकानदार से, सब्जी बेचने वालों से हमारा संबंध आ जाता है, कभी ऑटो रिक्शा वाले से संबंध आता है, जब भी हमारा किसी मेहनतकश व्यक्ति के साथ संबंध आता है तो हम उससे भाव का तोलमोल करने लग जाते हैं, मोलभाव करने लग जाते हैं। नहीं, इतना नहीं, 2 रुपया कम करो, 5 रुपया कम करो। और हम ही लोग किसी बड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बिल में क्या लिखा है देखते भी नहीं है, धड़ाम से पैसे दे देते हैं। इतना ही नहीं, शोरूम में साड़ी खरीदने जाए कोई मोलभाव नहीं करते, लेकिन किसी गरीब से अपना नाता आ जाए तो मोलभाव किए बिना रहते नहीं है। गरीब के मन को क्या होता होगा, ये कभी आपने सोचा है? उसके लिए सवाल 2 रुपये 5 रुपये का नहीं है। उसके हृदय को चोट पहुंचती है कि आपने, वो गरीब है इसलिए उसकी ईमानदारी पर शक किया है। 2 रुपया 5 रुपये आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ये छोटी सी आदत उसके मन को कितना गहरा धक्का लगाती होगी, कभी सोचा है? मैडम, मैं आपका आभारी हूं, आपने इतना हृदय को छूने वाला फोन कॉल किया, एक मैसेज मुझे दिया। मुझे विश्वास है कि मेरे देशवासी भी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करने की आदत होगी तो जरूर छोड़ देंगे।